नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल सेलेक्शन मेंटर में। और मैं विरत दुबे आप लोगों को करंट अफेयर्स की सीरीज़ का अगला जो क्रम है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये करंट अफेयर्स 6 मार्च का है, 6 मार्च का। तो इस करंट अफेयर्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, बताऊंगा, उनकी डिटेल करूंगा। और इस लेक्चर का आपको PDF जो है वो नीचे जो कह सकते हैं कि जो स्क्रॉलिंग हो रहा है, नंबर व्हाट्सएप नंबर है वो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे लिंक के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, या डायरेक्टली आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करिए। आपको इस PDF की, इस लेक्चर का PDF भी आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड क्रॉप लोन इंटरेस्ट अप टू फॉर फार्मर्स टिल 31 मई 2020। तो 31 मई 2020 के लिए यहाँ पे कहा गया सरकार ने किसानों के लिए कितने लाख का फसल ऋण ब्याज जो है वो बढ़ाया है। तो एक तरीके से यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास में, पांच ऑप्शन दिए हैं आपके पास में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, करेक्ट आंसर है 3 लाख। करेक्ट आंसर क्या है? 3 लाख। तो 3 लाख का जो ऋण है उसको बढ़ाया गया है। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊं कि ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, इंटरेस्ट सबवेंशन को बैंकों के लिए अगर देखा जाए तो 2%, और जो ऐसे क्रॉप लोन्स जो 3 लाख की सीमा के अंतर्गत आते हैं और ड्यू हैं, या आगे जो 3 महीने का जो समय एक्सटेंशन का है उसमें ड्यू होने वाले हैं, तो उनके लिए 3% जो है वो PRI रखा गया। PRI यानी प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव, ठीक है? तो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव, ये जो है आपको इसका फुल फॉर्म भी यहीं से मिल गया, 3% जो है ये रखा गया है, और जो इंटरेस्ट सबवेंशन है बेटा ये रखा गया है 2%, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये 3 महीने के समयावधि के अंतर्गत आने वाले क्रॉप लोन्स के लिए है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड बैंकिंग सर्विस इन व्हाट्सएप मार्च 2020। मार्च 2020 में व्हाट्सएप के माध्यम से अगर देखा जाए, व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस निजी क्षेत्र के बैंक ने करी है, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने, ये कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ICICI बैंक, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ICICI बैंक। तो यहाँ पर ICICI के बारे में सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, ICICI इंडस्ट्रियल, आई स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल, सी फॉर क्रेडिट, एंड अगेन आई फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड अगेन सी फॉर कॉरपोरेशन, एंड आई फॉर इंडिया। तो ICICI का फुल फॉर्म आपको मिला है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ये हो गया ICICI का फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर जो है भैया ये मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई में है। और इसके CEO जो है वो संदीप बख्शी जी हैं, इसके CEO आपको नाम ध्यान रखना चाहिए, संदीप बख्शी जी हैं, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन पार्टनरशिप विद भारत पे लॉन्च COVID-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर फॉर शॉपकीपर्स। तो आपको यहां पर ये बताना है भारत पे के साथ साझेदारी में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने दुकानदारों के लिए COVID-19 सुरक्षा बीमा कवर लॉन्च किया है। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, इसका करेक्ट आंसर है ICICI लोम्बार्ड, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ICICI लोम्बार्ड। और यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बार ऐसा है कि भारत पे जो है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि भारत पे जो कि न्यू दिल्ली का स्टार्टअप है, यहाँ पर मतलब कह सकते हैं भारत पे जो है वो न्यू दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप है। तो यहाँ पर मैं सीधे बात बताता हूँ कि आपको ये जो भारत पे है ये पहली बार ICICI लुम्बार्ड के साथ मिलकर के किसी इंश्योरेंस के लिए साझा जो है वो अपने शेयर्स को कर रहा है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये जानकारी तो है ही सभी लोगों को कि ये सारी जो चीज़ें काम कर रही हैं वो किस चीज़ के लिए कर रही हैं, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो किसके लिए हो रही हैं, COVID-19 के प्रभाव से मिलकर लड़ने के लिए सारी चीज़ें कर करी आ रही हैं। इस इंश्योरेंस को इसी में, इस इंश्योरेंस में यही चीज COVID-19 को ही कवर किया जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट दैट वाज जनरेटेड एज लोन बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए एडीबी का फुल फॉर्म हमको यहीं से मिल जाता है, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसका मनीला में है, और आपको यहां पर मनीला, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ लिए चलते हैं। फिर से लिखा है, व्हाट इज द अमाउंट दैट वाज जनरेटेड एज लोन बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक टू आवास फाइनेंशियर्स। यहाँ पे फाइनेंसर्स का नाम लिखा हुआ है, आवास फाइनेंसर्स, ठीक है? आवास फाइनेंसर्स टू इम्प्रूव विमेन्स एक्सेस टू हाउसिंग इन इंडिया, यानी भारत में आवास तक महिलाओं की पहुंच में सुधार के लिए, यानी और अच्छे से महिलाओं तक जो है आवास
पहुंचने की सुविधा हो सके, आवास मिलने की सुविधा हो सके, तो इस चीज के लिए आवास फाइनेंसर्स को वो एडीबी ने कितना ऋण प्रदान किया है, कितनी ऋण राशि प्रदान करी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया 60 मिलियन। क्या है इसका करेक्ट आंसर? 60 मिलियन US डॉलर, ठीक है, 60 मिलियन US डॉलर। तो एडीबी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 60 मिलियन US डॉलर देने की बात करी गई है। खास बात यहाँ पर यह है कि ये हाउसिंग फाइनेंस जो है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो आवास फाइनेंसर जो है वो मुख्य रूप से हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड कराता है किन लोगों के लिए? वुमेन इन लो इनकम, या फिर लो इनकम कम्युनिटीज, या फिर प्राइमरी बोरोवर्स, या को बोरोवर्स जो होंगे उनके लिए ये काम करने वाली आवास फाइनेंसर जो है वो लिमिटेड कंपनी है। आगे अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस? ठीक है, एक किताब लिखी गई है श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो ये लेखक स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, सत्यार्थ नायक जी के द्वारा लिखी गई है ये किताब। इसके द्वारा लिखी गई, इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? सत्यार्थ नायक है। और आपको मालूम है कि श्रीदेवी के ऊपर ये किताब लिखी गई है, नाम से ही पता चल रहा है। और इसे इसको जो पब्लिश करने वाली कंपनी का नाम है वो है पेंगविन ई बरी प्रेस, ठीक है, पेंगविन ई बरी प्रेस, ठीक, ये इसके द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सत्यार्थ नायक है, सत्यार्थ नायक एक बहुत ही फेमस ऑथर और स्क्रिप्ट राइटर है, ठीक है। ये इनकी नॉन फिक्शन बुक है, यानी कि अकल्पनीय बुक है, कल्पना करके नहीं लिखी गई, वास्तविकता के आधार पर लिखी गई है। कोरोना केयर इज इंडियाज फर्स्ट, यहां पर देखिए कोरोना केयर के नाम से, ये नाम है यहां पर, मैं अगर इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं यहां पर, कोरोना केयर इज द इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाई डिजिटल पेमेंट कंपनी इन कोलाबरेशन विद बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। तो यहां पर क्वेश्चन किया गया है कि कोरोना केयर जो भारत का पहला, कोरोना केयर जो कि भारत का पहला पहला अस्पताल में भर्ती बीमा है, यानी जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उसके लिए बीमा है ये। तो ये बजाज आलियान जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ कौन सी डिजिटल भुगतान कंपनी जो है वो साझा कर रही है इस इंश्योरेंस को अगर देखा जाए तो ये कंपनी का नाम है फोन पे। इस कंपनी का नाम क्या बेटा? फोन पे। तो यहाँ पे डिजिटल पेमेंट कंपनी जो इस कोविड-19 के साथ हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी जो कह सकते हैं कि बजाज आलियांज के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझा कर रही है, वो है डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है? फोन पे। और फोन पे के बारे में यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सीईओ जो है इसके समीर निगम जी हैं, ठीक है। इसके सीईओ बेटा कौन है? समीर निगम जी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नेम द सेंट्रल गवर्नमेंट्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप। तो कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप के बारे में आपने सुना होगा, कई लोगों ने शायद आप में से डाउनलोड भी कर लिया होगा अब तक। तो यहां पर उस ट्रैकिंग ऐप का नाम पूछा जा रहा है, तो उस ट्रैकिंग ऐप का नाम है, देखिए आरोग्य नाम से यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप परेशान नहीं होगा, आरोग्य सेतु है, ठीक है, आरोग्य सेतु, ठीक है। आरोग्य का मतलब होता है रोग रहित होना, और इसके लिए सेतु यानी ब्रिज का काम कर रहा है ये। तो ये थोड़ा संस्कृत का टर्म है आरोग्य सेतु, उससे लेकर के इसको बनाया गया है, ठीक है। और ये जो आरोग्य सेतु है ये दोनों प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज और आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उन दोनों पर काम करने वाला ये कह सकते हैं ये ऐप है। अगला क्वेश्चन है, नेम द टेनिस टूर्नामेंट विच हैज कैंसल्ड 134th एडिशन ऑफ द फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप जो ये टूर्नामेंट देख रहे हैं यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। पहली बार 134वां टूर्नामेंट था, कौन सा टेनिस टूर्नामेंट है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार रद्द किया गया है? तो यह है विम्बलडन टेनिस चैंपियनशिप। और विम्बलडन टेनिस चैंपियनशिप के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप ऊपर जो है इसका लिंक देख पा रहे होंगे। तो विम्बलडन टेनिस चैंपियनशिप के बारे में आप इस पर क्लिक करके आराम से आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी यहां पर आपको ध्यान रखना है, डिटेल कराया मैंने वैसे शॉर्ट में, अगर आप यहाँ पे समझोगे तो ये जो टेनिस विम्बलडन था ये 29 जून 2020 से जुलाई 2020 तक होना था, 13 जुलाई 2020 तक, लेकिन अब इसे कैंसिल कर दिया गया है। और जब इसे कैंसिल कर दिया गया तो अब ये अगली साल होगा, नेक्स्ट ईयर होगा 21 में, और 21 में कब होगा? जून 28 से जुलाई 11 21 में होगा ये, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखेंगे ना, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल डेडिकेटेड ट्विटर हैंडल फॉर कोविड-19 लॉन्च्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट कमेटी, सॉरी ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री। तो आपको इसको शॉर्ट में एमआईबी कह सकते हैं, इसको शॉर्ट में एमआईबी कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, ठीक है।
ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पर पूछा गया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई की शुरू की गई COVID-19 के लिए समर्पित आधिकारिक ट्विटर हैंडल का नाम क्या है? तो ये आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, आधिकारिक ट्विटर हैंडल ये पहला वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, @COVIDNewsByMIB, ठीक है, @COVIDNewsByMIB, ये केवल यही एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, आप इससे जुड़ सकते हैं इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और साथ ही साथ इस ये ट्विटर का जो अकाउंट है उस अकाउंट का नाम है IndiaFightsCorona, ठीक है, #IndiaFightsCorona, #IndiaFightsCorona, और ये आपका जो है इसका क्या है, ट्विटर हैंडल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स, उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी प्रकार की क्वेरी आपके मन में हो रही है तो आप कमेंट जरूर करिए। हमारे नीचे दिया स्क्रॉल में जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं इन पे आप जरूर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको इस पीडीएफ, इस लेक्चर की पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड की जा सके। थैंक यू एंड नाइस डे अहेड।